तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में आज मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेटों के खिलाफ एहतजाज किया गया। एक अनोखे किस्म का एहतजाज गांधी भवन में देखने में आया, जहां पे घोड़ों की सवारी की गई तो कहीं बाईसाइकिल पर एहतजाज दर्ज कराया गया तो कहीं बैलगाड़ी में जाकर एहतजाज दर्ज कराया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में आज कांग्रेस पार्टी के वर्करान और कांग्रेस पार्टी के लीडरान की जानिब से एहतजाज मरकजी हुकूमत के बढ़ते हुए अशिया के खिलाफ दर्ज कराया गया। बुलावे से हम लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर जो धरना कर रहे, आज गैस के रेट क्या, आज गरीब लोग जी नहीं सकते, ऐसे ये सरकार बीजेपी सरकार और टीआरएस सरकार उन लोगों की रीत की हड्डी तोड़ दे रहे। क्यों बोले तो आज आम पब्लिक इतने रो रहे, ना खाने को है ना पीने को है। आज देखे तो गैस का रेट 1000 रुपये है, उन लोगों का देने का पेंशन 2000 रुपये है, मगर आज हम एक ही मांग करते हैं बीजेपी सरकार से और टीआरएस सरकार से, दोनों मिलावट के सरकार है ये दोनों की। तो आज हम एक ही मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल रेट कम किए जाए और आम आदमी को, गरीब लोगों को जो खाने पीने की सामान उसका भी कम करना बोल के हम लोग मांग रख के ये आज धरना चौक पे हम लोग गए, मगर ये पुलिस पकड़ के यहाँ पे लाके हम लोग, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की साथ दिए। जब मनमोहन की सरकार थी जब 400 रुपए थी गैस की रेट, मगर आज देखे तो 900 रुपए के चिल्लर हो गए, आम आदमी कैसे जीना। आज 100 रुपए दाल की कीमत थे हम जब कांग्रेस की सरकार थी, जब अब 200 रुपए है, 2000 की पेंशन में आम औरत कैसे जी सकती, आप बोलिए गरीब कैसे जीना। आज एसीसी और बीसीसी प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार हम लोग बाइक रैली निकाले, क्योंकि साइकिल रैली निकाले, क्योंकि आजकल जो है पेट्रोल डीजल गैस हर चीज महंगी हो रही है। पहले यही महंगाई जो है बीजेपी सरकार को डाइन लगती थी, अब यही महंगाई उनको डालिंग दिखती है, जबकि भाजपा के सरकार में खुद महिला अभिनेत्रियां हैं, महिला लीडर्स हैं, लेकिन उनको आवाम की महंगाई की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही। जब देखो तब आवाम को लूटा जा रहा है महंगाई के नाम पे, हर चीज के जो है दाम बढ़ गए हैं, जिसको देखो उन्हें वैसे लूट रहा है, उद्योगपति लूट रहे हैं, सेंटर की गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को, आवाम की जरा भी फिक्र नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो आवाम है एक पेंडेमिक से गुजरी है, 1.5 साल से कारोबार नहीं है, 1.5 साल से कमाई नहीं है, और उसके ऊपर ये महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, लेकिन ना ही सेंटर की हुकूमत को कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही स्टेट की, दोनों हुकूमतें जो है नशे के आलम में अंधे बहरे और भूखे हो।